So our next session is something that we have been waiting for. We are most delighted to have the Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Mr. Bhupesh Baghel, sir, joining us. Our government of Chhattisgarh is a partner state for Infocom 2020, and we are most privileged to have the Honorable Chief Minister, sir, joining us today. We warmly welcome you, sir, on behalf of Infocom 2020, and we are most delighted to have you with us. And Honorable Chief Minister, sir, would be talking about and giving his insights on Chhattisgarh in the next normal. And now I would like to hand over the session to sir for his address. Ji, namaskar. ABP समूह द्वारा आयोजित इस इन्फोकॉम में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ से अधिक जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं। एबीपी समूह पिछले 18 वर्ष से यह आयोजन कर रहा है और यह 19वां वर्ष है। मैं एबीपी समूह को बधाई देना चाहता हूं, जहां देश में विचार विमर्श की परंपरा को लगातार हतोत्साहित करने की प्रक्रिया जारी है, ऐसे समय में आप लगातार इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगातार विमर्श का होना अत्यंत आवश्यक है। विमर्श से ही समस्याओं के हल निकलते हैं, बेहतर नीति बनती है और नीति निर्माण में सबकी भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। जब हम बिना चर्चा और विमर्श के नीतियां बनाते हैं तो उसका हर्ष वैसा ही होता है जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए कृषि कानून का हो रहा है। आज इन्फोकॉम में हम छत्तीसगढ़ ने कोरोना संकट काल में अपने अर्थव्यवस्था को किस तरह से गतिमान बनाए रखा, इस विषय में बात करेंगे। इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ का हमारे देश के विकास में, आर्थिक मजबूती में और पर्यावरण स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि हमारे 80% से अधिक किसान धान उपजाते हैं और सेंट्रल पूल में हमारा महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे कोरबा जिले को देश की ऊर्जा की राजधानी के रूप में जाना जाता है। देश की बिजली उत्पादन में हमारा बड़ा योगदान है। पूरी देश आजकल पर्यावरण प्रदूषण से चिंतित है। पर्यावरण प्रदूषण ने दिल्ली और अन्य बड़े शहरों कोरोना के खतरे को गंभीर बना दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के 44% क्षेत्र अभी भी वनों से आच्छादित है और देश को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। फरवरी मार्च 2019 में जब देश में कोरोना की आहट सुनाई देने लगी और केंद्र सरकार ने बिना किसी पूर्व नियोजन के ताबड़तोड़ लॉकडाउन और ऐसे अन्य कई निर्णय लिए तो देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये नुकसान केवल कोरोना की वजह से नहीं हुआ, अपितु इस सरकार के नोटबंदी और जीएसटी जैसे कई अव्यवहारिक निर्णयों ने कोरोना महामारी से पहले ही इसकी शुरुआत कर दी थी। कोरोना ने तो केवल इसको गति प्रदान की। मैं आंकड़ों से इसे आपको समझाना चाहता हूं। 8% से ऊपर की जीडीपी विकास दर को घटाते हुए सरकार -23.9% तक ले आई है। आजादी के बाद से अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। आज भारत की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में प्रवेश कर गई है। मुझे और हमारी भारती को यह दुख होता है जब हमारे नेता राहुल गांधी ने इस बारे में कई महीनों पहले ही सार्वजनिक रूप से इसकी चेतावनी दी थी। तब भी इस सरकार ने इस पर गौर करके पूर्व तैयारी नहीं की। इसका परिणाम आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। किसान परेशान है, वो दिल्ली कूच कर चुके हैं।
मजदूरों के पास काम नहीं है, वो आंदोलित है। मध्यम वर्ग की नौकरियां खत्म हो रही है, बेरोजगारी महंगाई लगातार बढ़ रही है और सीमा पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इन सबका निराशाजनक वातावरण के बावजूद छत्तीसगढ़ देश में ऐसे उदाहरण के रूप में सामने आया है जिसने पूर्व नियोजन, दूरदर्शी सोच और सकारात्मक परिवर्तन की दृढ़ इच्छा शक्ति से ऐसे कदम उठाए जिससे कोरोना के संकट के बावजूद राज्य में अर्थव्यवस्था बेहतर बनी रही, किसानों को अपना उपज बेचने में कोई परेशानी नहीं हुई और मजदूरों को रोजगार मिलता रहा। औद्योगिक क्षेत्र के संचालन में लॉकडाउन के समय थोड़े दिन कामकाज प्रभावित हुआ, लेकिन जल्दी ही उसका संचालन सामान्य हो गया। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं हो गया। 17 दिसंबर 2018 को सरकार में आने के बाद से हमारा हर कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला था। हमारे हर निर्णय के पीछे यह सोच थी, इससे हमारे किसान वैसे मजबूत होंगे, गांव में लोगों को काम कैसे मिलेगा और किसी तरह उनकी आमदनी बढ़ेगी। हमने सरकार में आने के बाद एक घंटे के अंदर पहला निर्णय किया, वह था 17,82,000 किसानों का 9,000 करोड़ रुपये का ऋण माफ। इसके बाद ही हमने राज्य के 17 लाख से अधिक किसानों पर वर्षों से बकाया 244.18 करोड़ रुपये की सिंचाई कर के माफ की। यदि हम किसी विकास कार्य के लिए कृषि भूमि को अधिग्रहण करने की जरूरत पड़ी तो हमने मुआवजा राशि को दुगुना से बढ़ाकर 4 गुना कर दिया। हमने राज्य के 5 लाख पर बिजली उपलब्ध कराकर सालाना लगभग 900 करोड़ रुपए की राहत भी दी। इस सब के पीछे उद्देश्य यह था, किसान पुराने ऋण के दुष्चक्र से मुक्त हों, नए सिरे से खेती किसानी में जुटकर अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर करें। इससे न केवल उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। लेकिन हम केवल ऋण माफी पर ही नहीं रुके, हमने किसानों को उनके द्वारा उत्पादित फसल को खरीदने की पूरे राज्य में व्यवस्था की और उन्हें उनकी फसल का पूरा मूल्य दिया। मैं यहाँ आपको यह बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो किसानों से 2500 रुपये क्विंटल की दर से धान खरीदता है। जब केंद्र सरकार ने MSP से ज्यादा दर पर धान खरीदी में अड़ंगा लगाने की कोशिश की तो भी हम डिगे नहीं। हमने किसानों की मदद के लिए एक नई योजना शुरू की। इस योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना के तहत हम छत्तीसगढ़ के 19 लाख से अधिक किसानों को अंतर की राशि का 5,750 करोड़ रुपया प्रदान कर रहे हैं। इनके 3 किस्त हम किसानों के खाते में जमा कर चुके हैं और 4थी किस्त भी जल्दी ही जमा करने जा रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ राज्य गठन से लेकर अब तक समर्थन मूल्य पर किसानों से सर्वाधिक 83,09,94 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी और किसानों को धान के समर्थन मूल्य की राशि 15,285 करोड़ रुपये का भुगतान ऑनलाइन सीधा उनके बैंक खातों में किया। कोरोना महामारी के संकट के दौरान भी छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था गतिमान बनी रही तो इसका सबसे बड़ा कारण यही राशि थी जो हमारे सरकार ने किसानों को प्रदान की। इसी राशि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी का प्रवाह बना रहा और बाजार में भी हलचल बनी रही। आपने अभी तक यही सुना होगा कि हमारे देश में किसान लगातार खेती से विमुख हो रहे हैं, खेती को छोड़ रहे हैं। इसका मूल कारण खेती का फायदे का धंधा नहीं होना। मैं पूरी विनम्रता और गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में हमने खेती को फायदे का धंधा बनाते इसकी गवाही देते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में इस साल समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 21,29,764 किसानों ने पंजीयन कराया है। पिछले 2 साल में धान बेचने वाले कृषकों की संख्या 12 लाख से बढ़कर 18 लाख
38,000 हो गई है। धान का पंजीकृत रकबा 24.46 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 27.5 लाख हेक्टेयर हो गया है। धान के रकबे में हुई 3,32,838 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। 1 दिसंबर से पूरे राज्य में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी प्रारंभ की गई है। वाटर रिचार्जिंग के मामले में हमारे 2 जिले सूरजपुर और बिलासपुर को देश में पहला और दूसरा स्थान मिला। देश में 110 स्पेशल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिले हैं, जिनमें प्रथम स्थान पर हमारे बीजापुर जिला आया। आज दूसरे लोग गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन गाय के सही मायने में कहीं सेवा हो रही है तो छत्तीसगढ़ में। हमने 5,036 गौठान बनाए। देश का दुनिया का पहला राज्य है जो गोबर 2 रुपये प्रति किलो के दर से खरीद रहा है। चरवाहों को रोजी नहीं मिलती थी, आज वो गोबर बेचकर 25,000 से 30,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। कोरोना काल में दूसरे राज्यों से वापस छत्तीसगढ़ आने वाले श्रमिकों के लिए व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती थी। छत्तीसगढ़ में लगभग 7 लाख श्रमिक दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आए, जबकि छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य में जाने वाले श्रमिकों की संख्या केवल 26,000 थी। हमने अन्य राज्यों से आए श्रमिकों के लिए 21,000 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर बनाए, उसके आवास, उपचार और भोजन की अच्छी व्यवस्था की और रोजगार भी उपलब्ध कराया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पूरे देश में लॉकडाउन था, मजदूर काम के लिए भटक रहे थे, तब छत्तीसगढ़ में मजदूर मनरेगा के तहत काम में जुटे थे। उस दौरान छत्तीसगढ़ रोजगार उपलब्ध कराने में देश में पहले नंबर पर था। हमने एक समय में एक दिन में 26 लाख मजदूरों को मनरेगा में रोजगार प्रदान किया था। छत्तीसगढ़ में 44% हिस्सा वन क्षेत्र है। इसी दौरान वनोपज संग्रहण में भी हम देश में पहले नंबर पर थे। ऐसे समय में जब देश में एक अनियोजित लॉकडाउन के चलते ठप पड़ा था, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पूरी सतर्कता के साथ अर्थव्यवस्था का पहिया गतमान था। कोरोना संकट ने औद्योगिक क्षेत्र को भी काफी प्रभावित किया। आंकड़े बताते हैं कि देश भर में औद्योगिक उत्पादन माइनस में चला गया था। छत्तीसगढ़ में हमने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए। बिजली के बिल आधा कर दिया, स्टील और स्पंज आयरन सेक्टर को विशेष पैकेज प्रदान किया, उद्योग स्थापना के लिए कठिनाई रहित सिस्टम बनाया। राज्य में नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद हो रहे बदलाव ने देश का ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर खींचा है। छत्तीसगढ़ MSMI प्रमोशन में डेवलपमेंट में देश में दूसरे नंबर पर है। युवा स्टार्टअप योजना में बेस्ट इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टेट है। लॉकडाउन में हमने 27 लाख स्टील उत्पादन किया, जो देश में सर्वाधिक है। GST कलेक्शन में हम 26% वृद्धि के साथ देश में बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश के साथ सबसे आगे हैं। सितंबर 2019 में 1490 करोड़ रुपए की तुलना में सितंबर 2020 में 1841 करोड़ रुपया बढ़ा। प्रसंस्करण उद्योग और बायोइथेनॉल राज्य के रूप में तेजी से कदम बढ़ रहा है। एक और सेक्टर था जिसे कोरोना ने काफी प्रभावित किया था और वह था निर्माण सेक्टर। निर्माण सेक्टर में कृषि के बाद बड़ी संख्या में मजदूरों को रोजगार मिलता है। लॉकडाउन ने इस सेक्टर को लगभग समाप्त कर दिया था। हमने इस सेक्टर को प्राणवायु फूकने के लिए कई उपाय किए। हमने भूखंडों के लिए शासकीय गाइडलाइन दर पर में शासकीय गाइडलाइन दर में 30% की छूट प्रदान की। उद्योगों के लिए डायवर्सन के लिए 15 दिन का समय सीमा तय की। कॉलोनी विकास के लिए एकल विंडो सिस्टम बनाया। हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में मकान मूल्य में 15 से 20% की कमी की और गुमास्ता एक्ट के नवीनीकरण में छूट प्रदान की। इन सब से निर्माण सेक्टर में नई ऊर्जा का संचार हुआ और वह भी धीरे धीरे मुख्य धारा में वापस आ गया। हमने जेम्स और ज्वेलरी क्षेत्र को भी और अधिक मजबूत प्रदान करने के लिए
और स्किल्ड लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु राजधानी रायपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए जमीन आवंटित की। हमारे राज्य में नक्सली समस्या है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमने नक्सल समस्या के हल के लिए सुरक्षा और विकास की नीति अपनाने का फैसला किया। इस समस्या को केवल किसी को गोली मारकर समाप्त नहीं की जा सकते। हमारा विश्वास है कि जिन नौजवानों की नक्सल भर्ती करते हैं, यदि हम उसे रोजगार देते हैं और अगर उन्हें हल पकड़ाते हैं तो बंदूक नहीं उठाएंगे। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने महुआ का मूल्य 17 रुपया निर्धारित किया, हमने इस साल 30 रुपया में खरीदा। इतनी दर पर वनाश्रितों को पहले कभी नहीं मिली। हमने वनाधिकार अधिनियम, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सामुदायिक स्तर पर हो, लागू किया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को अब लगने लगा यह हमारी सरकार है। हमने नक्सल प्रभावित क्षेत्र से में 13 साल से बंद स्कूलों को फिर से शुरुआत की। बस्तर के लिए अलग से हमने भर्ती प्रक्रिया अपनाई है, क्योंकि नक्सली समस्या के कारण वहां के बच्चे पढ़ नहीं पाए। ऐसे में उन्हें रोजगार देना है, हमने एक अलग श्रेणी बनाई ताकि स्थानीय लोगों को काम मिले। इन सब के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मुझे विश्वास है हम नक्सल समस्या को धीरे धीरे निष्प्रभावी बनाने में सफल होंगे। छत्तीसगढ़ आज देश के विकसित राज्यों के समक्ष उदाहरण बन के सामने आया है। अभी हम विकासशील राज्य में हैं। हमारी स्थापना को 20 साल ही हुए हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ आने वाले कुछ वर्षों में ही देश के प्रथम 3 विकसित राज्यों में अपना स्थान बना लेगा। इस इन्फोकॉम में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का आभारी हूँ। एबीपी समूह को भी मुझे आमंत्रित करने और बोलने के अवसर देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। Thank you, sir. Thank you, sir, for your address, and we are very honored to have you here with us.